तैयारी होती हैं, ये जब यू नो फिल्म को सराहती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे पहले ही बोला ना, एक फिल्म मेकिंग एक आसान प्रोसेस नहीं है, एक ही बहुत ही क्रिएटिव प्रोसेस है। सोचिए कि कितनी चुनौतियाँ हैं इसमें। पहले एक कहानी को ढूंढता है आदमी, फिर कहानी के बाद उस कहानी को फाइन ट्यून करता है आदमी, फिर एक्टरों के पीछे जाता है, फिर जब वो सब हो जाता है तो फिर किसी प्रोड्यूसर को कन्विंस करता है। तो कई मुश्किलातों का मतलब समय मतलब सामना करना पड़ता है एक फिल्म मेकिंग में। और कभी कभी ऐसा लगता है यार इतनी एफर्ट कर, उन्होंने कहा चलो झट से कह दिया कि यार क्रिटिक्स आई थिंक है ना, आई थिंक उनको थोड़ा पार्टिसिपेटरी होना चाहिए इसमें, क्योंकि सी इट्स ऑल इन द एंड वन। आई एम नॉट सेइंग बी काइंड, बट यू नो डोंट बी अनकाइंड, डोंट बी पर्सनल, डोंट बी अनकाइंड। तुषार जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मारिच क्या सवाल है आपका फिर से? फिल्म इंडस्ट्री में आपको लगता है कि कोई ऐसा मारिच है जो आपको बहुत परेशान करता है, या आपके घर में आपकी फैमिली खुद बहुत बड़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट है, कोई है ऐसे जो? एक बार शक्ल दिखाइए ना फिर से उठ के प्लीज, ये जो घर वाली बात है ना। आई थिंक हम सबके अंदर द पॉइंट इज दैट मारिच इज नॉट जस्ट दिस हैटमैन कैरेक्टर, बट इट्स आल्सो कि हम सबके अंदर एक मारिच है, दैट साइड दैट नॉट एवरीवन कैन सी, व्हिच इज नॉट दैट दैट इज डार्क, दैट्स बिट वी ऑल हैव आवर ओन डीमंस, जो इसलिए लोगों को पहचानना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सबके अंदर एक मारिच है। तो दैट इज़ द आइडिया, सो एवरी वन हैज़ समथिंग हिडन। तो आप भी आपके अंदर भी कुछ हिडन है जो मतलब कि मतलब शायद आपने सर ये पक्की बात किसी का मर्डर किया होगा जो मुझे मालूम ना हो। इनको हैट पहना दीजिए प्लीज। सिम्बॉलिक ऑल्सो ऑफ कोर्स मोर देन द मेन थिंग इज इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, सो द मारिच हैज़ टू बी कॉट, बट generally also I think it's all also about fighting your own demons. Tushar yahan par jaise ki abhi Rahul ne bhi kaha ki film making bahut mushkil business hai, kahin na kahin bahut mehnat lagti hai ek film ko banane mein, lekin jis hisab se is waqt box office ka haal hai aur कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी फिल्म दर्शक पसंद करेंगे ना पसंद करेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि आप मारिच को सिनेमा घरों में लेकर आ रहे हैं जबकि लक्ष्मी को तो कई कारणों की वजह से डिजिटल पर लाया गया था, लेकिन मारिच को लेकर किस तरीके से आप तैयार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक डर है बतौर प्रोड्यूसर। आई थिंक द मेन थिंग इज द ट्रेलर ऑफ द फिल्म, दैट इज योर बिगेस्ट तैयारी। उससे ज़्यादा तैयारी आप बेसिकली फिल्म में आप मेहनत करोगे, फिल्म बनाने के लिए आप अपना बेस्ट करोगे, उसको एडिट करोगे, आप उसका बैकग्राउंड करोगे, उसको मिक्स करोगे, साउंड मिक्स करोगे, यू डू ऑल दैट एंड देन you'll try and cut a great trailer. I mean, if you're asking me about the commercial aspect of a film, and if you like my trailer, then you'll see my tayari, you see everyone's tayari. So that's the best we can do. Other than that, it's a very unpredictable business. But that's what makes it exciting also, na? Ki aapko pata nahi hai ki kab kya, kaun si film aayegi aur chalegi aur kaun si film logon ko pasand karegi, logon ko matlab apna paisa vasool karayegi. So we make movies because we want to entertain people and we hope to succeed in that. And that's all we can do, do our best and leave the rest. All right, last question. Yes, sir. Tushar sir, jana chahunga, pehla jo project tha, wo kamyab hua aapka Lakshmi Bomb. Lekin production ya, you know, kamyab producer hona koi badi baat nahi aapke liye, puri family mein hai. Ekta ma'am ki baat kar raha hoon. Kya sikha abhi aapne unse, kya qualities honi chahiye producers mein, ya kya challenges hai, kaise face karna hai, kya sikha unse? I think everybody has challenges in today's time with you know, we've gone through 2 years of the pandemic, going into the pandemic, coming out of the pandemic, dealing with the post-COVID economic issues and everything. So everyone has their own challenges. Aur aap bol rahe ki producer bana aapke liye badi baat nahi, nahi bahut badi baat hai. And thank me that I don't have 5 films right now, because if I had started 5 films before the pandemic, then I don't know what I would have probably been in heaven. So इसलिए मैंने उस वक्त कुछ शुरू नहीं किया, फिर बाद में सब जब कुछ खुल गया देन मैंने ये फिल्म बनाई, विच इज़ आई थिंक द बेटर स्ट्रैटेजी टू वेट एंड वॉच एंड डू थिंग्स एट द राइट टाइम। कोई रेस नहीं लड़नी मुझे, क्योंकि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, दैट्स अ लेसन वी लर्नड इन द लास्ट फ्यू इयर्स, सो लेट्स जस्ट गो विद आवर हार्ट एंड लेट्स जस्ट डू आवर बेस्ट। मैम आपका अनुभव बताइए कैसा था इस प्रोजेक्ट में, और राहुल सर हैं, तुषार सर हैं, और भी कई आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में बताइए कैसा था? इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट बहुत ही बढ़िया रहा, इतनी बढ़िया ऑनसेंबल कास्ट के साथ काम करने का मौका मिला। तुषार इज़ अमेजिंग, आई हैव नोन हिम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम बट आई डोंट थिंक वी हैव गॉट अ चांस टू वर्क विद हिम। राहुल के साथ मॉडलिंग के टाइम से आई नो हिम, ही हैज बीन माय सीनियर, वी हैव डन अ कपल ऑफ
other projects as well. Such wonderful actors, everyone. Anita ke saath maine actually bahut pyari project ki thi, koi aapsa, produced by these guys. I love her, yeah. No, as in, I love her a little more, yeah. तो कैरेक्टर के बारे में शायद मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, ध्रुव मुझे बहुत गुस्सा करेंगे. सो या आई एम लेट्स से आई एम वन ऑफ द कास्ट मेंबर्स एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस एनसेंबल. आई एम थैंकफुल. थैंक यू. लवली. सो मारिज जो है मल्टी सिटी टूर पे जाने वाले हैं. सो आज इंदौर, कल लखनऊ. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग हियर एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन. 9th December, लेडीज एंड जेंटलमैन, वर्ल्ड वाइड रिलीज. Please make sure you watch this movie. Tell your friends, family, everybody. जैसे राहुल सर ने बताया कि बहुत मेहनत से बहुत लोगों का काम होता है. सो ये तो चेहरे हैं, बाकी टीम बहुत बड़ी है जब एक मूवी रिलीज होती है. तो प्लीज जाके सपोर्ट कीजिएगा, बिकॉज वी नीड दिस. वी नीड पीपल बैक इन थिएटर लाइक वी यूज टू डू बिफोर कोविड. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग हियर एंड थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू.
एक माइलस्टोन हमने आज कंप्लीट किया है और वो भी नंबर वन रहते हुए बहुत शुक्रिया। और हर एक एक से तो शो बनता नहीं है, हर एक उस शख्स का, सारे एक्टर्स, डायरेक्शन टीम, डीओपी, प्रोडक्शन टीम, एक एक बंदा, चाहे वो स्पॉट में हो, चाहे वो तनावे पे हो, चाहे वो सेटिंग वाला हो, हर एक की मेहनत है। 12-14 घंटे हम यहाँ पे काम करते हैं, उसके बाद जब हमें ऐसा फल मिलता है ना तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एंड यस, लास्ट में आप सब मीडिया एंड जो भी हमारे व्यूअर्स जो देखते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ आप हैं तो हम हैं, अगर आप हमें इतना प्यार नहीं देंगे तो हम ये माइलस्टोन कभी कम्प्लीट नहीं कर पाते। बस इंशाल्लाह दुआ यही है, 100 हुए हैं, 1000 भी करेंगे और ऐसे ही नंबर वन 2000 भी करेंगे, 2000 भी करेंगे। मोबाइल पीछे करने को यार पहले तो पक्का जी मैंने कुछ नहीं किया वो मोबाइल एक किशन अरे मोबाइल पीछे लो ये मोबाइल ए ए मोबाइल कौन मोबाइल हो थोड़ा सर नीचे कर ले बोलो हमेशा मैंने यही कहा और यही फील किया कि टीम चलती है, चाहे वो मुगले आजम फिल्म बनी हो या शोले फिल्म बनी हो या महाभारत बनी हो या चंद्रकांता बनी हो, चलती टीम है। टीम के अलावा कुछ भी नहीं। कोई एक आदमी कहे कि मेरी वजह से ये और मेरी वजह से वो, दैट इज ऑल रबिश। सब टीम वर्क है, एवरीथिंग राइट फ्रॉम द स्पॉट बॉय, हमारा जो स्पॉट से लेके प्रोडक्शन से लेके डायरेक्शन से लेके क्रिएटिव से लेके एक्टर्स एवरीबॉडी इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर्स, बहुत अच्छे टीम बन गई है। एंड ये होता है ऊपर से, कोई बैठ के ये नहीं सोचता कि मैं सो एंड सो, ये चेस बोर्ड तो है नहीं कि आप चूज कर सकते हो, ये बन जाता है। और कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसका कोई जवाब नहीं होता है। और जैसे ये टीम बनी है, मैं इस एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि जब ये कहते हैं कि 1000 ये कहते हैं 2000, तो इसमें कोई शंका नहीं। जिस तरीके की टीम बनी है और जिस तरीके का प्यार लोगों ने हमें दिया है और एक्सेप्टेंस हुई है इस सीरियल की, तो 2000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई विश दिस टीम द बेस्ट ऑफ लक। मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं ऐसी टीम के साथ जुड़ा हूँ, ऐसे यंगस्टर्स के साथ जुड़ा हूँ। मैं भी रोज़ सीख रहा हूँ इनसे, बहुत कुछ सीखता हूँ और ये सीखना जो है ये चलता रहेगा।
जब तक हम जिंदा हैं जब तक हम सीखते रहेंगे. वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सिनेमा. तो आई विश देम द बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप अजुनी गोज माइल्स एंड माइल्स. जनता भाई जनता केक कटवा दीजिए. केक कटवा दीजिए. बूम रख दीजिए. केक हट जाएगा ना तो बूम रख दीजिए. जनता कर लेंगे. हमारी टीम बहुत ही अच्छी है. आपको ज्यादा बोलना तो आता नहीं है. अरे बोलने नहीं आता इनको. हाथ दिन भर ही बोलते हैं. हमारी स्पेस टीम को बनाने में सबसे बड़ा हाथ है त्रिवेद जी और हमारे रवि जी. हमारी पूरी यूनिट में एक बंदा ऐसा नहीं जिससे हम लोगों को कोई भी किसी तरह की शिकायत हो इनको छोड़ के. यार ये बहुत अच्छा शो हमने दिया है और एक सक्सेस जो मिली है 100 एपिसोड के हम लोगों ने ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है. हम लोग इंटरनली और दिल से बहुत खुश हैं और इसके लिए मैं स्पेशली आज तक आप लोग ने हमारे प्रोड्यूसर्स को देखा ही नहीं होगा मिले भी नहीं होंगे. तो आई वांट टू थैंक माय प्रोड्यूसर्स. आई वांट टू थैंक माय चैनल और आई वांट टू थैंक माय एडिट टीम आल्सो जो सामने नहीं रहती है फ्रंट पे बट उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है. बैकग्राउंड म्यूजिक ऑल पार्ट ऑफ द एक वो भी हमारा डिपार्टमेंट है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. तो एक पूरी यूनिट काफ़ी अच्छी है और सब अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं एंड दैट्स वाई वी हैव गिवन सच अ गुड शो. सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे एंड ऑल द बेस्ट टू अस एंड वी विल keep growing and making lots of episodes. Yes. Thank you.